खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां नवागत एसपी नवनीत भसीन के आक्रामक मोड देखे को मिल रहा है, आक्रामक रूप देखे को मिल रहा है, जहां एक सिपाही का ये वजह से लाइन हाजिर कह देगा कि वह गुटखा खाए रहा और बाल दाढ़ी बढ़ाए रहा। क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भमकर निश तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की, जो ने अपना पंचन बता दी कि रीवा में रविवार के सुबह जो है तब पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया, जब नवोदित एसपी जो है नवनीत भसीन के द्वारा एक सिपाही आरक्षक का अनुशासनहीनता के आरोप पर लाइन हाजिर कह दिया गया। आरोप यह है कि पुलिस वाला मुंह में गुटखा खाए रहा और वर्दी तो पहने रहा मगर टोपी नहीं लगाए रहा, वो बाइक में कहां जा रहा तब शहर के भ्रमण पर निकले एसपी नवनीत भसीन के नजर पड़ गए। एसपी के द्वारा सिपाही का रोक के पूछताछ की गया, संतोषजनक जवाब न मिले पर ओका जो है लाइन हाजिर कह दिया गया। बताया जा रहा है कि एसपी जो है भसीन रविवार का नगर भ्रमण पर निकले रहे, यह दौरान जब धोबिया टंकी के पास पहुंचे तो बाइक से जा रहे सिटी कोतवाली में तैनात सिपाही का जो है रितेश का रोका गया। सिपाही पुलिस के वर्दी में बिना टोपी के रहा और जो है दाढ़ी तक नहीं बनाए रहा, ऐसा मां एसपी के द्वारा सिपाही का ऐसा हुलिया मां जो है सवाल खींचा, सिपाही जवाब दे चाहे मगर ओके मुहे में गुटका रहा, जौने पर एसपी आक्रोशित हो गए और तत्काल जो है लाइन हाजिर कर दी। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि कोतवाली थाना में तैनात सिपाही का सजा के तौर पर लाइन हाजिर किया गया है, ओके द्वारा जो है अनुशासन तोड़ा गया है, मुंह में गुटका दबाए रहा ऐसा बिल्कुल न चली, कहा गया कि जो पुलिसकर्मी ऐसा कृत्य करी ओकर दंडित की जाए, जब पुलिस अनुशासन के पालन न करी तो आमजन पर एकर का फर्क पड़ी, पुलिसकर्मी का नशे के लत छोड़े के पड़ी, सिपाही का मिली या सजा जिला के हर पुलिसकर्मी खेती एक संदेश है, उनका जो है अनुशासन में रहा हुई शराब सिगरेट तंबाकू गुटखा जैसा नशा से दूर हो के पड़ी और हर पुलिसकर्मी का जनता के मित्र बने के हुई और बेल ड्रेस रहे के पड़ी, मतलब पूरी वर्दी पहरे के पड़ी। तो सीधे तौर पर सबसे अच्छी बात यह कि कौनो पुलिस अधीक्षक आय के अपने विभाग का कसाई के प्रयास कह रहा है, हालांकि या पब्लिसिटी स्टंट आए या फिर एकर असर देखे के मिली यह तो आगे वाला आबाय वाला वक्त बताई, किंतु सबसे बड़ी बात कि पुलिसकर्मी पर लगातार आरोप लगा थे, आरोप यह तो ठीक है कि यह एक शारीरिक व्यवस्था के तहत यह सब कार्यवाही है, किंतु सबसे बड़ा आरोप यह है कि जो आम आदमी गरीब आदमी जब पुलिस के सहारा जो है पुलिस का सहारा बनाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन्हीं के रक्षक के बजाय भक्षक बन जाती, पुलिस के या और जो है एसपी साहब का ध्यान दे के ज्यादा आवश्यकता है कि जो पुलिस घूसखोरी और अन्य अवैध गतिविधि में लिप्त रहा थी, यदि और एसपी साहब के ध्यान चला जाए तो निश्चित तौर पर उन अपने मंशा पर सफल जरूर हो। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।